Hello everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel. These days I'm obsessed with butterfly, तो यहाँ पर मैंने बालों को पीछे करने के लिए butterfly लगी हुई है. एंड हेयर इज द बिफोर एंड आफ्टर. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू लुक बेटर विदाउट मेकअप और हाउ टू लुक फ्रेश विदाउट डूइंग मेकअप. सो इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पहली चीज़ जो है जो बहुत मैटर करती है हमारे लुक्स पे अपीयरेंस पे वो है हमारे बाल. चाहे वो आपके कलर हो, चाहे वो आपका हेयर कट हो, आपकी हेयर स्टाइल हो, जिस तरह भी आपने उसको रखा हुआ मेंटेन किया हुआ है, मेक श्योर कि वो आप पे अच्छे लग रहे हो, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके लुक पे. आप फ्रेश लगते हो, अगर आपके बाल फ्रेश हैं तो यू लुक फ्रेश. सो सेकेंडली व्हाट आई डू ऑन माई स्किन, सबसे पहले मैं अपना मूड होने के बाद क्रीम अप्लाई करती हूँ. ये है फेयर एंड ग्लो, जो कि आपको नाहिद सुपरमार्केट से भी मिल जाएगी ऑनलाइन और मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं फेयर एंड ग्लो के नाम से, इसकी डिटेल और बेनिफिट्स मालूम करने के लिए. मुझे ये सूट करती है, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन टाइप जो है वो है ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्नी प्रो. सो इट्स रियली सूट्स ऑन मी. ये मेरी ऑयल को भी कंट्रोल रखता है, मेरी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, एक्नी मास्क को रिमूव करता है, मेरी स्किन को लगाने के बाद ब्राइट लगती है. प्लस इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें SPF भी है, तो मुझे अलग अलग 5-6 प्रोडक्ट नहीं लगानी पड़ती, एक ही में मेरी जान छूट जाती है. डे में भी लगा सकते हैं इसको, नाइट में भी. बाकी डिटेल्स आप गूगल कर लीजिएगा. मुझे ये सूट करती है इसलिए मैं ये अप्लाई करती हूँ. आपको जो भी सूट करती हो, जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम वट एवर यू यूज़ है, वो अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. इस वीडियो का मेन कैरेक्टर जो है वो है टिंट. आई यूज़ कैंडी टिंट, और कैंडी टिंट मैंने कोई 1.5 साल पहले लिया था, 100 रुपये का. अब शायद 200-250 का हो गया होगा, बट अब एंड हो गया है ये मेरा टिंट. और ये मेरा बहुत फेवरेट टिंट है. एक तो बहुत ही कोई अफोर्डेबल, यू नो कह सकते हैं कि चीपेस्ट टिंट कह सकते हैं इसको, अफोर्डेबल तरीन है. प्लस बहुत अच्छा लगता है मुझे ये. सो अब मेरा ये ख़त्म हो गया, बट मुझे ये वाला शेड मिल नहीं रहा है. अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि आप अपने टिंट को किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं और किस तरह से नेचुरल और यू नो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं. व्हाट आई डू पर्सनली, ये वाले जो टिंट हैं इस तरह के बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, वो लगाओ और छोड़ दो तो ड्राई हो जाते हैं. पर आपने घबराना नहीं है, मेरी वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है और ये टेक्निक बहुत काम की है. सो मैं यहाँ पे नीविया सॉफ्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है. बहुत ज़्यादा यू नो ऑयली भी नहीं होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लो भी करती है. मुझे ये सूट करती है, इसकी फिटनेस भी मुझे अच्छी लगती है. आप कोई भी लोशन, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. सो व्हाट आई डू, मैं थोड़ा सा जो है मॉइस्चराइजर लेके कभी कभार मैं लोशन भी यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे ये मिल नहीं रही होती लोशन रखा हुआ है वो लगा के. बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और उसके ऊपर लगा के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. तो इस तरह ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है स्किन के अंदर, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाता है और बहुत ग्लो भी करता है, नेचुरल इफेक्ट देता है. और इस तरह लगाने से मेरी स्किन ग्लो भी कर रही होती है, ड्राइनेस भी नहीं होती, क्योंकि टिंट्स लिक्विड वाटरी फॉर्म में होते हैं तो ड्राई हो जाते हैं. अगर आप ड्राई स्किन पे लगा लें तो फिर वो ड्राई ड्राई लग रहा होता है. तो आप अगर कोई क्रीम नहीं लगा रहे, ड्राई स्किन पर लगा रहे, तो ऊपर से भी मॉइस्चराइजर लगा के ब्लेंड कर सकते हैं. इवन अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो भी ये रिमूव नहीं होगा. अगर आप टिश्यू वगैरह कोई चीज़ रुमाल भी यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा हटेगा, बट ये मॉइस्चराइजर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, तो ये स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, ग्लो भी करता है, नेचुरल भी लगता है. और ये लाइक दिस पिंकिश इफेक्ट ऑन फेस, इससे बहुत यू नो फ्रेश लुक आता है. पहले ब्लशेस यूज़ करते थे, तब ब्लशेस मुझे फेवरेट था मेरे मेकअप के अंदर, बट जब से टिंट्स आए तो टिंट्स आर माय फेवरेट, क्योंकि ब्लशेस पाउडर फॉर्म में होते हैं और वो इस तरह ग्लो नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफर होते हैं एंड यू नो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं. सो टिंट्स आर माय फेवरेट प्रोडक्ट और मेन करेक्टर्स लिए, क्योंकि इसी से फ्रेश लुक आता है एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट. ग्लो भी लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा और एक फ्रेश लुक भी आ रहा है. देन सेम लिंट मैं टिंट अपने लिप्स पर अप्लाई करके ब्लेंड कर दूँगी. बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी एंड थोड़ा सा टिंट लेके अपनी आइज़ पर भी लगाऊँगी. समटाइम्स आई अप्लाई ऑन माई आई, समटाइम्स आई डोंट. और आइज़ पर थोड़ा सा लेके उसी वक्त ब्लेंड कर दूँगी ताकि मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े. बट अगर कभी स्टेन रह जाता है
फेस पे, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके उसको भी ब्लेंड कर देते हैं। इससे एक फ्रेश लुक भी आ जाता है और ये टेक्निक इस्तेमाल करने से एक ड्यूई लुक भी आ जाता है बिना किसी हाइलाइटर या मेकअप के। देन फिर हम अपने आईब्रोज पे थोड़ा ध्यान देंगे, उससे भी लुक का बहुत फर्क पड़ता है। मेक श्योर अगर आप आईब्रोज बनवाते हैं तो नीट होनी चाहिए, नीट रखा करें। खाली आईब्रोज बनवा के भी आपने नोट किया होगा काफ़ी फेस का लुक चेंज हो जाता है। अगर आप आईब्रोज नहीं बनवाते हैं तो आप उसको खाली ब्रश कर लें, और अगर ज़रूरत है फिल करने की तो आप जो भी प्रोडक्ट आईब्रोज के लिए यूज़ करते हैं उसे फिल कर सकते हैं। मैं जस्ट खाली ब्रश कर रही हूँ, गॉम कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को, और दैट्स इट। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी नीट हुई हुई है, मैं फिल नहीं कर रही हूँ, बस नेचुरली रखूँगी, ऊपर से इसको ब्रश कर दूँगी ताकि ये सीधी हो जाए। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस अगर आप बिफोर दिखा हुआ है। सो ऑफकोर्स हमने कोई ग्लैम लुक नहीं दिया, हमने नेचुरली रहना है विदाउट मेकअप, फ्रेश लुक देना है विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेकअप। हमने जो स्किन केयर किया है कोई खास 10-15 क्रीम नहीं लगाई है, इट्स नॉर्मल मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है जो हम डेली बेसिस पर लगाते हैं। बस मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ शेयर किए हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आप ये यूज़ करके जो है इन्हेंस कर सकते हैं अपना लुक, और नेचुरली जो है वही जो रोज़ करते हैं उसको थोड़े अलग अंदाज में तरीके से करेंगे तो फ्रेश लुक आएगा एंड कोर्स यू लुक प्रीटी विदाउट डूइंग मेकअप, बिकॉज वी ऑल आर प्रीटी। बस कैरी करने की बात होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ पता चलती हैं, हम उनको तरीके से रखें, तरीके से मेंटेन करें तो वैसे ही हेल्दी ग्लोइंग और अच्छे लगते हैं। तो आजकल मुझे ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस से ऑब्सेशन हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कह रहे हैं कि मुझे कैरी करना आ गया है। सो मैं ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस आजकल लगा रही हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छे लिप्स और फ्रेश लुक्स आते हैं, यू नो प्लम्पी लुक आता है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो की दो मेन प्रोडक्ट की मॉइस्चराइजर और टिंट है, दैट्स इट, हमने इससे कुछ लगाया नहीं है। अच्छा, अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो मेक श्योर कि आप टिंट लगाने से पहले अपने लिप्स पर बाम लगा लें, जो कि मैंने दिखाई है, ये मेरी फेवरेट है। इसके अलावा एक बॉडी शॉप की लिप बाम है जो कोका बटर में, शिया बटर में सॉरी, वो भी मुझे सूट करती है क्योंकि मेरी लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं। सो दिस इज इट, ये है फाइनल लुक एज यू कैन सी। अगर आप इसी को बिना मेकअप के इन्हेंस करना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो मस्कारा एडअप कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं। मैं मोस्टली ऐसे ही रहती हूँ, बहुत कम कभी एक दो दफ़ा लगाया होगा मैंने मस्कारा, क्योंकि ऑफकोर्स लगाने के बाद उसको रिमूव भी करना होता है, यू नो लेजीनेस कौन रिमूव करे। तो यही मेरा गो टू लुक है, यही मेरा घर में रहता है। प्लस सनस्क्रीन ज़रूर लगाए करें, उससे जो है छाइयाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं, बर्न नहीं होती हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है हाथों पे भी और मुंह पे भी। एंड दैट्स इट, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।